नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आप सबको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व की महिमा क्या है, इस दिन आप किस तरीके से भगवान शिव की उपासना करें और महाशिवरात्रि के मौके पर क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसका आपके जीवन में लाभ होगा आपको। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है जी। देश भर में, दुनिया भर में भगवान शिव की पूजा की जा रही है, तो इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की महिमा क्या है, ये बताइए। देखिए, हिंदू परंपरा में, हिंदू मैथोलॉजी में त्रिमूर्ति की पूजा की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, हर अवतार की अलग अलग पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव अपने आप में संपूर्ण हैं और भगवान शिव की पूजा एक ही रूप और स्वरूप में की जाती है और वो की जाती है शिवरात्रि पर। शिवरात्रि जो है वो हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और अगर आप टेक्निकली देखें तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रकाश के लिंग के रूप में सबसे पहले भगवान शिव का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी महाशिवरात्रि पर माना जाता है, यानी भगवान शिव की वेडिंग एनिवर्सरी है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि पर व्रत उपवास रखने का, मंत्र जप करने का और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। देखिए, महाशिवरात्रि का मतलब शिव की रात्रि है, यानी शिवरात्रि पर आपने आज सुबह पूजा कर ली हो या अभी आप करने वाले हों या शाम को पूजा करेंगे आप याद रखिए, महाशिवरात्रि पर रात का जागरण, रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो आज आपने कोई भी पूजा की हो या ना की हो, लेकिन आज मध्यरात्रि में जग करके भगवान शिव की पूजा उपासना करिएगा, आपका कल्याण और मंगल होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।